तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे चैनल से सारे अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। शेयर, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट करने से ये होगा कि जितने सारे कमेंट किसी टॉपिक से अगर आएंगे हमारे पास, तो वो उस पार्ट को हम पहले अपलोड करते चलेंगे, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके दोस्त और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सकेगा। सो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब तो। हे गाइस, हाय, दिस इज अनिल, मास्टर टीचर ऑफ मैथ्स, साइट मैथ्स का टॉपर। हाउ आर यू? इससे पहले हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम्स करवाए थे और उन प्रॉब्लम्स को शायद आप लोगों ने देख रखा होगा। और फिर अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो आपका पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में है। तो पीछे का जो हमने हाइट एंड डिस्टेंस कर रखा है, उसको आप लोगों ने देखा होगा, तो प्लीज़ वहाँ भी सब्सक्राइब करें, सो दैट अपडेट्स जो है आपके साथ हम देते रहें। तो हम लोगों ने ये देखा कि सॉल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। जो भी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, अगर लीनियर इक्वेशन हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है इन टू वेरिएबल्स का। तो इनका जो एवरी सॉल्यूशन होता है, ईच सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन, है ना, लाइक सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स वाई का हमारा पेयर आएगा, है ना, वो जो एक्स वाई का पेयर आएगा, ये सॉल्यूशन जो होगा, तो इसके द्वारा, इस इक्वेशन के द्वारा जो भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगा, हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। एवरी सॉल्यूशन करस्पॉन्ड्स टू ए पॉइंट ऑन दैट इक्वेशन, दैट लाइन रिप्रेजेंटिंग दैट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखें। अब हमारे पास जो कंसर्निंग है, उसमें हम क्या देखने वाले हैं कि जनरल फॉर्म जो होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होगा, उस फॉर्म में हम लोग देखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसका कंडीशन क्या होता है कि इसमें सभी a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं, सम मोर एग्जांपल्स में, जैसे आपके एग्जांपल्स में कुछ भी ले सकते हो। सपोज़ करो कि 3x प्लस 2y है ना माइनस 5 इक्वल टू जीरो एंड 9x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू जीरो। कुछ भी, हमने इसमें एक पेयर ये बन गया हमारा, दूसरा पेयर हम ले सकते हैं, सपोज़ करो 2x इक्वल टू वाई, 2x इक्वल टू वाई एंड 7x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब इसका मतलब क्या हुआ, ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बना हमारा इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स होने का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर a1 a2 b1 b2 ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से हम लोग जान चुके हैं कि ये क्या होती है, कि a1 क्या हुआ, x और y में यहाँ पर वेरिएबल क्या सब है हमारे, x एंड y वेरिएबल्स हैं। और a1 b1 c1 a1 b1 क्या होता है, a1 कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल x हो गया, b1 कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल y हो गया और c1 इज कॉल्ड कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन। सिमिलर वे में a2 यहाँ कोफिशियंट हो गया, b2 कोफिशियंट हो गया, c2 हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। इसकी मतलब ये है कि ये सभी का रिलेशन हम लोग इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे कि इस इक्वेशन से अब हमारे पास टारगेट क्या होगा, इन दो इक्वेशन से हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की क्या जो सॉल्यूशन होगा, इसके सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, ये सॉल्यूशन होगा कि जो भी एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स वाई का पेयर वैल्यू का जो पेयर बनेगा हमारा,
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम बोलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ वेरिएबल्स, ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द इक्वेशन, ईच वन ऑफ द इक्वेशन इक्वेशंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। जो भी पेयर वैल्यूज एक्स और वाई का जो पेयर बनेगा आपका, ये एक्स एंड वाई का जो हम पेयर बनाएंगे, और वो पेयर जो इच इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इच वन जो भी इस एक इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को, इच वन को सेटिस्फाई करे, सो दैट पेयर इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ ये चीज़ देखने वाली बात है कि जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे सामने आते हैं, वो पेयर ऑफ इक्वेशन जनरली ज्योमेट्रिकली आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, ज्योमेट्रिकली ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली दे रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन, दे रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। तो ज्योमेट्रिकली दे रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब एक इक्वेशन हमारा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, ये स्ट्रेट लाइंस अगर आपके पास एक प्लेन में हो, तो उन दोनों के इन तीनों ये स्ट्रेट लाइन से पॉसिबिलिटीज़ क्या बनता है हमारा, पॉसिबिलिटीज़ ये बनता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि लाइन हमारा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अगर ग्राफिकली हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक कंडीशन ये देखें कि लाइक दिस, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन, ये लाइन हमारा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइक दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक इक्वेशन इससे एक इक्वेशन इससे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट लाइक दिस, दे आर पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस, दिस इज द पैरेलल टू ईच अदर, है ना। एंड थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या आ रही है कि एक लाइन पे दोनों लाइक कर जाए हमारा, है ना, लाइक दिस, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन हम ये देख सकते हैं यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो दोनों हमारा, ये तीन पॉसिबिलिटी हमारे सामने हैं कि लीनियर इक्वेशन से हम, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम तीन पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं। तो अब इसमें फर्स्ट फिगर में ये चीज़ इंटरसेक्ट कर गया हमारा, ये पैरेलल लाइंस हो गए और टू लाइंस, ये दे आर कॉल्ड, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉन्सिडेंट का मतलब ये हुआ कि एक लाइन पे ही एक लाइन हमारा दोनों को मिला करके दोनों एक ही लाइन बना लिया और ये पैरेलल लाइन हो गए। अब इनके अकॉर्डिंग हम अब ये देखना चाहते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंटेशन हमको देगा। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दिस टू लाइंस, टू लाइंस जो है ये क्या है, तो इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ये पैरेलल लाइंस हो रहे हैं, ये कॉन्सिडेंट हो रहे हैं। इसका हम एक तो कंसिस्टेंसी वर्ड आती है, कंसिस्टेंसी वर्ड के नेम पर हम क्या इसको कह सकते हैं कि जो ये इंटरसेक्टिंग कर रहा है, इंटरसेक्टिंग में दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट, ये हमारा कंसिस्टेंट के रूप में कहते हैं, ये हमारे कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको हम। अच्छा, इसको दूसरा जो है ये हमारा पैरेलल इनकंसिस्टेंट, इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट हो गए। और ये जो है जो कोइंसिडेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट ये हो गए, ये तीनों। अब ये इससे क्या रिप्रेजेंटेशन हमको हो रहा है, इससे रिप्रेजेंटेशन ये हो रही है कि जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से इस तरह से हम लोग इस सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन हम इसको देखने वाले हैं कि कंसिस्टेंट का फॉर्मेट क्या होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमारे सामने सपोज करो जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हैं लाइक ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो,
तो इनसे हम किस तरह से क्या कंडीशन होगा जिसके आगे जिसके सहारे हम ये बता सकते हैं कि दे आर कंसिस्टेंट, दे आर इनकंसिस्टेंट, दे आर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट से मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का अगर हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन देखें तो कंसिस्टेंट का अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन उसका ये होगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अलजेब्रिक ये कंसिस्टेंट से क्या मतलब हो रही है कि दे प्रोवाइड अस ए यूनिक सॉल्यूशन। ये अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो इसका जो है ये क्या बता रहे हैं, ये अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, दिस आर योर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ये अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन हुआ कंसिस्टेंट कहने से, मतलब अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये कहेगा दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अब ये है कि यूनिक सॉल्यूशन। अब इनकंसिस्टेंट में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट में आ जाएगा अलजेब्रिक में क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट में अलजेब्रिक में आ जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या डाल देंगे, दैट इज पैरेलल लाइंस। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में होगा पैरेलल लाइंस। ओके, फिर अब एक बच गया हमारा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंस में अलजेब्रिक जो कंडीशन होगा इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर इतना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर इसके आगे हम ये बताएंगे कि अलजेब्रिक कंडीशन क्या होगा। इससे ये तो इंटरप्रिटेशन की बात हो गई, अब इनकंसिस्टेंट के लिए अगर हम देखें तो अलजेब्रिक कंडीशन क्या होगा। कंसिस्टेंट का अलजेब्रिक कंडीशन होगा a1 upon a2 = b1 upon b2। फिर इसके बाद जब पैरेलल लाइंस का कंडीशन आएगा तो उस केस में क्या होगा, पैरेलल लाइन के कंडीशन में हमारा a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2। ये पैरेलल लाइंस का कंडीशन में आएगा। और अगर इन्फिनाइटली सॉल्यूशन हम देखेंगे तो सभी बराबर हो जाएंगे, यानी a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2। तो इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंसिडर करते हैं, फिर हम आपको मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर लीनियर इक्वेशन को भी बताएंगे और फिर चैप्टर का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारे चैनल से सारे अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। शेयर, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट करने से ये होगा कि जितने सारे कमेंट किसी टॉपिक से अगर आएंगे हमारे पास तो वो उस पार्ट को हम पहले अपलोड करते चलेंगे, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके दोस्त और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सकेगा। सो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब तो करें।